आप देख सकते हो इसमें अभी पांच कॉलम के ऊपर ही स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। अभी सिर्फ पांच कॉलम का ही अभी काम हुआ है स्ट्रक्चर का, उसके ऊपर। और जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया उसके ऊपर पटरियाँ भी बिछा दी गई है। अभी आगे का अभी पाँच से छः कॉलम अभी और पेंडिंग है। मेरे ख्याल से ये पूरा काम कंप्लीट होने में अभी भी 1 साल तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि काम वैसे अच्छे स्पीड से चल रहा है, फिर भी अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि अभी इसको पूरा 100% कम्प्लीट होने के लिए 1 साल तक का वक्त अभी लगेगा, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं गाजीपुर में गंगा नदी पर बन रहे रोड कम रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य को देखने आया हूँ, और मैं अभी आ रहा हूँ अंधौ से। तकरीबन 7 to 8 किलोमीटर यहाँ से अंधौ पड़ेगा। मैं वहाँ से साइकिल से आ रहा हूँ सिर्फ आप लोगों तक वीडियो को पहुँचाने के लिए। और वैसे मुझे साइकिल चलाए हुए लास्ट 6 ईयर पहले मैंने साइकिल चलाया था, तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई साइकिल चलाकर। अभी मुझे वापस भी जाना है, 7 to 8 किलोमीटर का डिस्टेंस वापस मुझे साइकिल चलाकर कवर करना है। तो ठीक है, आप जो लोग भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.
दोस्तों साइकिल चला चला कर मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। इसके लिए मैंने एक स्लाइस की बोतल लिया जिससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल सके ताकि मैं इजली फिर डिस्टेंस कवर कर सकूं। काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी दिन से साइकिल नहीं चलाया और अचानक से फिर साइकिल चला रहा हूँ तो काफ़ी थकान महसूस हो रही है। ये मेरे को लगता है घर जाने के बाद मेरे पैर में काफ़ी दर्द भी हो सकता है क्योंकि 6 साल बाद वापस साइकिल चलाना काफ़ी मुश्किल है, वो भी इतना लंबा 816 किलोमीटर साइकिल से ट्रैवलिंग करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जब मैं 6 साल पहले जब मैं गाजीपुर में रहता था तब ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इससे ज़्यादा मैंने साइकिल चलाया है। मैं गाजीपुर से भरसड़ तक और से आगे तक मैंने 20-20 किलोमीटर तक साइकिल चलाया, तब मेरे लिए मुश्किल नहीं होती थी। बट अभी 6 सालों से मैंने साइकिल को टच भी नहीं किया है, उसके बाद अचानक से मुझे 16 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना पड़े साइकिल से तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है हो रहा है ये। कोई बात नहीं, वीडियो बनाना था इसके लिए मुझे आना पड़ा।